अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार की आबकारी नीति के तहत शराब नीति में हुए बदलाव पर कांग्रेसी नेताओं की बयानबाजी पर ग्रामीण विकास पंचायती राज्य पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने करारा जवाब देते हुए कहा कि जब वीरभद्र सिंह की सरकार में आबकारी नीति अपने चहेतों के लिए बनाई थी और जो पैसा कोष में जाना था वह पैसा वीरभद्र सिंह के चहेतों की जेब में जाता था। 1008 श्री गुरु राजेंद्र गिरी महाराज की प्रमुख गद्दी श्री शिव बाबा बालकनाथ की गुफा द्योरसी द्वारा समाधि लीन 1008 महंत शिवगिरी जी महाराज की 16वीं बरसी के उपलक्ष्य में उत्तरी भारत के प्रसिद्ध शिवपीठ बाबा बालकनाथ द्योरसी में शिव बाबा बालकनाथ की विशाल चौकी तथा अखंड भंडारे का आयोजन किया गया। प्रदेश सरकार की आबकारी नीति के तहत शराब नीति में हुए बदलाव पर कांग्रेसी नेताओं की बयानबाजी पर ग्रामीण विकास पंचायती राज पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने करारा जवाब देते हुए कहा कि जब वीरभद्र सिंह की सरकार में आबकारी नीति अपने चहेतों के लिए बनाई थी और जो पैसा कोष में जाना था वह पैसा वीरभद्र सिंह के चहेतों की जेब में जाता था, लेकिन पहली बार हिमाचल में बीजेपी सरकार के समय में 3 करोड़ से ज्यादा मुनाफा सरकार को हुआ है और आज हिमाचल के अंदर शराब महंगी होने के कारण ब्लैक बिक रही है और इस धंधे को समाप्त करने के लिए नीति में संशोधन किया है जो कि प्रदेश हित में है। उन्होंने कहा कि इससे ब्लैक मार्केटिंग खत्म होगी और प्रदेश सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। शराब के बारे में जो विपक्ष की नकारात्मक भूमिका है, क्योंकि जहां जब वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी उन्होंने आबकारी नीति जो थी वो अपने चहेतों के लिए बनाई थी। जो पैसा प्रदेश के कोष में जाना चाहिए था वो पैसा जो था वो वीरभद्र सिंह जी के लोगों के अंदर जो था वो पैसा जाता था और उनके घरों को जो है वो भरा जाता था। लेकिन सरकार हम बनी, हमने उस आबकारी नीति को बदला और इस बार जो है वो पहले से ज़्यादा, यानी कि 300 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट जो है वो हिमाचल प्रदेश को जो है वो हुआ है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर शराब महंगी होने के कारण एक ब्लैक में जो है वो शराब जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर पैरेलल चल रही है। हम उस पैरेलल जो यहाँ पर जो शराब का धंधा यहाँ पर होता है उसको समाप्त करने के लिए जो है वो कुछ हमने इस नीति में जो है वो संशोधन किया है जो प्रदेश हित में है। इसमें जो है वो ठीक शराब भी मिलेगी और ठीक से जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ब्लैक मार्केटिंग है वो भी समाप्त होगी और हिमाचल प्रदेश का राजस्व भी जो है वो इससे बढ़ेगा जो हम जनहित के लिए जो है उसको खर्च करेंगे। 1008 श्री गुरु राजेंद्र गिरी महाराज जी प्रमुख गद्दी श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ गुफा द्योरसी द्वारा समाधि लीन 1008 महंत शिवगिरी जी महाराज की 16वीं बरसी के उपलक्ष्य में उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ द्योरसी में सिद्ध बाबा बालकनाथ की विशाल चौकी तथा अखंड भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास पंचायती राज पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर पंजाबी गायक लखवीर सिंह लखा ने बाबा जी की महिमा का गुणगान किया तो पहाड़ी कलाकार धीरज शर्मा ने भी अपनी सुरीली आवाज से बाबा की भेंटों से समा बांधा। देर रात तक चले इस कार्यक्रम में काफी संख्या में भगत जन मौजूद रहे। जो गी मेरे प्रीतम तो ही मेरा राम तू ही मेरा शाम जपू मैं सुबह शाम जोगी मेरे प्रीतम प्यारे बिगड़े बना दे मेरे की मेरा राम तू ही मेरा शाम जपू मैं सुबह शाम मेरे प्रीतम प्यारे बिगड़े बना दे मेरे काम जोगी मेरे प्रीतम प्यारे
बिगड़े बना दे मेरे का। प्रीतम मेरे मन के कस हरो सब मेरे तन के, तुम ही प्रीत पुकार पर से नैना, तुम दूर न जाना आ जा तेरे चरणों में मेरे चारों धाम। मेरे प्रीतम प्यारे बिगड़े बना दे मेरे का, जोगी मेरे प्रीतम प्यारे बिगड़े बना दे मेरे का। तू ही मेरा राम तू ही मेरा शाम, जपूं मैं सुबह शाम। जोगी मेरे प्रीतम प्यारे बिगड़े बना दे मेरे का। उसको संकट में अभयदान दिया है तुमने, बाबा बालकनाथ हम हैं तेरे पुजारी, बाबा बालकनाथ हम हैं तेरे पुजारी, तेरे पुजारी बाबा धर के बिहारी, तेरे पुजारी बाबा धर के बिहारी, तेरे पुजारी बाबा धर के बिहारी। बाबा बालकनाथ हम हैं तेरे पुजारी, बाबा बालकनाथ हम हैं तेरे पुजारी, तेरे पुजारी बाबा धर के बिहारी, तेरे पुजारी बाबा धर के बिहारी। महिमा चिमटे वाले तेरी जग से है न्यारी, बाबा तू धारी सुन लो हिंदी हमारी, बाबा तू धारी सुन लो हिंदी हमारी, बाबा तू धारी सुन लो हिंदी हमारी, बाबा तू धारी सुन लो हिंदी हमारी। रहमत बरस जाए के खाली जाम है मेरा, तेरे दर पे मैं आया हूं तुझे प्रणाम है मेरा, तेरी रहमत बरस जाए के खाली जाम है मेरा। मैं पुतला हूं
मेरे जोगिया तू दे दर्शन के लखा नाम है मेरा। क्यों जिसने वर मांगा जिसने भी वर मांगा तो वरदान दिया है तुमने। मूर्ख से मूर्ख को भी ज्ञान दिया है तुमने। जिसने वर मांगा तो वरदान दिया है तुमने। मूर्ख से मूर्ख को भी ज्ञान दिया है तुमने। तुम दूर न जाना आ जा तेरे चरणों में मेरे चारों धाम। मेरे प्रीतम प्यारे बिगड़े बना दे मेरे का जोगी। मेरे प्रीतम प्यारे बिगड़े बना दे मेरे का। तू ही मेरा राम तू ही मेरा शाम। जपू मैं सुबह शाम। जोगी मेरे प्रीतम प्यारे बिगड़े बना दे मेरे का। पंचायती राज मंत्री बीरेंद्र कंवर ने कहा कि आज बाबा के दरबार में माथा टेका है और राजेंद्र गिरी महाराज की बरसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र गिरी महाराज के समय में मंदिर न्यास ने काफी बढ़िया काम किया है और बरसी के अवसर पर उन्हें याद किया जा रहा है। कंवर ने कहा कि आज वर्तमान महंत राजेंद्र गिरी महाराज ने भी परंपरा को कायम रखते हुए काम किया जा रहा है जिससे लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। बरसी मेले में आए हैं बाबा जी के याद में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। आज इसी अवसर पर जो है वो हम जहां बाबा पार्कनाथ मंदिर में भी जो है वो माथा टेकेंगे और बाबा जी के जो महंत जी शिवजी जी महाराज थे जिन्होंने इस क्षेत्र में विकास की एक नई परिभाषा लिखी थी उनके कार्यकाल में ही यहाँ पर महाविद्यालय की स्थापना हुई। संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हुई यहाँ पर जो है वो लंगर और साथ में हॉस्पिटल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो है वो उसमें उनकी थी वो यहाँ पर उनके कर कमलों द्वारा जो है वो स्थापना हुई थी। और आज भी जो है वो इलाके को जो उनकी एक सेवाएँ रही हैं उसके लिए जो है वो क्षेत्र जो है वो उनको लोग जो है वो उनको याद करते हैं और उनके जो बारिश हैं महंत राजेंद्र गिरी जी महाराज उस परंपरा को जो है वो आगे बढ़ाए हुए हैं। हम उनके जहां महंत शिव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं वहीं इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। 25 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर बीरेंद्र कंवर ने कहा कि जब जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है तो गरीब लोगों और किसानों की चिंता करती है। उन्होंने कहा कि 1977 में जब भाजपा सरकार सत्ता में आई थी तो उस समय प्रदेश में गरीबों के कल्याणार्थ अंत्योदय योजना तथा पेयजल योजना की शुरुआत की गई थी। इसी प्रकार वर्ष 1998 में जब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय भी ग्रामीण विकास को लेकर पेयजल तथा सड़कों के नेटवर्क को सुदृढ़ कर विकास के नए नए आयाम स्थापित किए गए थे। विधानसभा सत्र 25 तारीख से शुरू हो रहा है और एक नया बजट माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से हिमाचल और प्रदेश के हित का होगा, गांव के हित का होगा, गरीब के हित का होगा। क्योंकि हमारी सरकार जब भी आती है सत्ता में तो हम गांव गरीब किसान इसके बारे में जो है वो हमेशा चिंता करते हैं। अगर हम 1977 से लें जब पहली बार केंद्र में प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी थी और हमारे विचारधारा के लोग यहाँ पर आए थे तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही अंत्योदय अन्न योजना उसमें शुरू हुई थी। गरीब को पेंशन देने की बात उसमें शुरू हुई थी।
पीने के पानी की योजनाएं पहली बार जो था वो विभाग की स्थापना हुई थी, और फिर जब धूमल जी 1998 में मुख्यमंत्री बने तब यहाँ पर आकर के ही उन्होंने जहाँ बड़े हैंडपंप लगाए, सड़कें बनाई और विकास की एक नई परिभाषा हिमाचल प्रदेश के अंदर लिखी। और अब जयराम ठाकुर जी बने, आपने देखा कि आते ही जहाँ गृहिणी सुविधा योजना जिसको हम सैचुरेशन तक ले गए, आज हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है जहाँ पर हम हर घर में जो है वो LPG गैस जो है वो उपलब्ध करवाई है। और हिमाचल प्रदेश जो है वो हिम केयर, जहाँ इस देश के अंदर आयुष्मान भारत की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू की है, तो जो वंचित रह गए हैं, जो बीच में शेष रह गए हैं, तो उनके लिए जो है वो हमने हिम केयर यहाँ पर योजना जो है वो शुरू की है, जिससे जो है वो हजारों लाखों लोगों को जो है उसका लाभ प्रदेश के अंदर जो है वो हो रहा है। और हम ये समझते हैं कि जहाँ आज जो वर्तमान चुनौतियाँ हैं, जो लोगों की समस्याएँ हैं, हम इन 3 वर्षों के अंदर जो है वो हम लोगों को जो है उसका समाधान देंगे। वही 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायत नुमाइंदों को विकास कामों के लिए मिले प्रावधान पर वीरेंद्र कंवर ने कहा कि 14वें वित्त आयोग के अनुसार पहले बजट दिया गया है और अब नए वित्त आयोग के तहत भी पंचायतों में विकास होगा। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत पैसों का आवंटन किया जाएगा और लोगों के काम पूरे किए जाएंगे। उसके बाद भी पंचायतें ही बनेंगी। नहीं, जो घोषणाएं नहीं है कोई भी है, व्यवस्थाएं होती है, जो 14वें वित्त आयोग की जो व्यवस्था थी तो उसके अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। 15वां वित्त आयोग में जो प्रदेश सरकार ने सिफारिशें की हैं कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनको ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, तो उसी हिसाब से प्रदेश की बात को जो है वो 15वें वित्त आयोग में माना है, और उसमें जो है वो हम उसके अनुसार जो है वो पैसे का आवंटन करेंगे। और जो पैसा हमारी अल्टीमेट सोच है कि जो पंचायतें हैं, पंचायत समितियां हैं और जिला परिषद जो हैं वो मिल बैठ करके जो है वो गांव के लिए जो है वो योजनाएं बनाएं और उस पैसे का जो है वो पूरा सदुपयोग जो है वो यहाँ पर हो। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।